रात क्या कल शिवरात्रि पर हम महाआरती में सम्मिलित होने के लिए गए थे मुजफ्फरनगर। उसके बाद हमारा भिक्षा यात्रा का कार्यक्रम था। उस भिक्षा यात्रा के कार्यक्रम में लोगों को संकल्प दिलाकर हम नीचे उतर रहे थे मंच से। तो जैसे ही मंच से नीचे उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ने लगे तो एक व्यक्ति आता है, थूकता है और थूकने के बाद अब शब्दों का इस्तेमाल करता है और यहां से निकल जाने की धमकी देता है और धक्का मुक्की करने का प्रयास करता है। ये जैसे ही घटना का हमें पता लगा तो हमने सूचना दिया। जैसे ही ये घटना घटी हमने उसके बारे में सूचना दिया। वहां जो हमारे लोग थे उन्होंने शासन और प्रशासन को सूचना दिया। मगर हैरत इस बात की है कि थोड़ी देर बाद फोन आता है और फोन आने पर बताता है हमसे जो वहां सब इंस्पेक्टर थे कि उसकी जेब में पत्थर थे। मैं ये सोच रहा हूं कि पत्थर थे, अगर तेजाब होता फिर। बोले कि मनोरोगी है। मनोरोगी है तो दो एंड्रॉयड फोन क्या कर रहा है वो लेकर के? किसी मनोरोगी के हाथ में एंड्रॉयड फोन होते हैं क्या? वो भी दो दो और बिना किसी का मेडिकल किए कैसे कह सकते हैं कि वो मनोरोगी था? हमारी सुरक्षा थी, इसी वजह से हम बच भी पाए। हमारी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से वहां से निकाला। अपितु वहां पर जो व्यक्ति खड़ा था सब इंस्पेक्टर, वो हंस रहा था। उससे कहा कि इसे पकड़ते क्यों नहीं है आप? तो हंस रहे थे देख करके। स्वामी जी आपने एक बात कही कि एक बार डीएम ऑफिस के सामने भी आप पर हमला हुआ था। अब से 5 महीने पहले की चर्चा है, 5-6 महीने पहले की। तब वहां पर गाड़ी गोल चैम्बरी पर रुकी तो वहां पर एक आदमी ने सरियों से अटैक किया था और कल ये थूकना, अपशब्द बोलना और जेब में पत्थरों का होना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें हैरान करने जैसी स्थिति है और मैं इस चीज को लेकर दुखी हूँ। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आश्वस्त हूँ कि कम से कम मेरे साथ कोई घटना घटने नहीं देगी। मगर हमारी नजरों से वो आज भी चेहरा नहीं जाता कि हमारे साथ अभद्रता हो रही थी, वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हंस रहे थे।